माईसेल्फ पिंकी शर्मा फ्रॉम सेंट डिज्नी स्कूल। इस कोरोना काल में आपकी स्टडी में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, इसलिए सेंट डिज्नी एजुकेशन ग्रुप आपके लिए ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड करवा रहा है। आज हम रीका सहानी समय लेखनम ये टॉपिक पढ़ेंगे। बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं इसके अंतर्गत। इसलिए रीका चित्रियाँ हो रहे थे अंकों में समय अंकित है। अंकों में दिए हुए समय को हमें किस में लिखना होता है? शब्दों में लिखना, और शब्दों में भी किस में लिखेंगे? हम संस्कृत में लिखेंगे। तो समय को जैसे ये घंटे वगैरह जैसे 1 बजे 2 बजे 3 बजे ये जितने भी हैं उनको संस्कृत में हम क्या बोलेंगे वो सब हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम समय देखते हैं, समय में देखिए हम पहले प्रति आवर उसे संस्कृत में क्या बोलेंगे वो देखेंगे। 4 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 10 11 और 12 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे को क्या बोलेंगे संस्कृत में? 6 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे और 12 बजे। अब इस 1 बजे को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? देखिए जो समय होता है एक होता है बजे, एक होता है बजेया। तो बजे जैसे मैं 4 बजे उठता हूँ या मैं शाम को 5 बजे पढ़ता हूँ, तो जहाँ बजे शब्द काम में आएगा ना वहां पर हम वादनी शब्द काम में लेंगे। और जैसे बज कितना बज गया तो यहाँ जहाँ बज होगा वहां पर हम वादनम शब्द काम में लेंगे। क्लियर? अब देखिए हम इन्हें कैसे लिखेंगे, दोनों को काम में लेंगे, हम वादनी में भी लिखेंगे और वादनम में भी लिखेंगे। जैसे एक है, एक को बोलेंगे हम एक वादनम और एक वादनी। एक वादन भी हो जाएगा और एक वादन भी हो जाएगा, तो को बोलेंगे हम द्विवादन और यहाँ हो जाएगा द्विवादने। तीन त्रिवादन और त्रिवादने। आप इसको सर्वाधिक नहीं कह सकते हैं। 8 हो जाएगा अष्टवादनम और यहाँ अष्टवादनी। उसी प्रकार 9 को संस्कृत में बोलेंगे नववादनम। यहाँ हो जाएगा नववादनी को बोलेंगे दशवादनम। सह कार्यों के आएगा, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। और दशवादनी उसके पश्चात 11 को क्या बोलेंगे? एकादश। एकादश वादनम और 12
बोलेंगे द्वाविस्वादम। इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और द्वादश्वादम, इस प्रकार से ये समय होंगे कि प्रति घंटा को संस्कृत में क्या बोलेंगे, एक से लेकर के 12 तक। अभी ये तो देखिए सीधा सीधा घंटा होगा कि 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, तो हम आराम से इसको बता सकते हैं। लेकिन यदि हो ऐसा कि 4 बज के 10 मिनट हो गए या 4:30 हो गए, 4 बज के 20 मिनट हो गए या 8 बज गए, यदि इस प्रकार का कुछ हो तो उसके लिए हम मिनट शब्द काम में लेंगे। और इस मिनट को संस्कृत में हम कला या निमेष कहते हैं। एक बार ये भी देख लीजिए आप, जैसे सबसे पहले हम सवा शब्द काम में लेंगे। जैसे मान लीजिए ये कहेंगे 4:15 बज गए, 4:30 बज गए या 5:30 बज गए या 6:45 बज गए, तो सवा, साढ़े और ये जो 4 शब्द हैं ये हिंदी के शब्द हैं, तो इन शब्दों के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द काम में लिया जाता है वो हम देख लेते हैं। जैसे सर्वप्रथम सवा, सवा, सवा को संस्कृत में बोलेंगे सवा। उसके पश्चात आता है साढ़े, साढ़े के लिए संस्कृत में काम में शब्द काम में लिया जाता है सार्ध। और फिर होता है पौने, जैसे 4:45 बज गए उसके लिए हम शब्द काम में लेंगे पादोनी। पाद का तात्पर्य होता है चरण, मतलब इसमें एक चरण नहीं है। जैसे ये घड़ी है, घड़ी के 4 चरण होते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, ये 4 चरण हो गए। तो पौने का मतलब होता है कि एक चरण जिसमें कम हो, 15 मिनट जिसमें कम हो। उसके पश्चात आता है मिनट, कि मिनट को संस्कृत में हम क्या बोलेंगे, मिनट को कहते हैं कला या फिर निमेष। हम निमेष शब्द भी काम में ले सकते हैं इसके लिए। लेकिन यदि मान लीजिए मिनट अधिक हो या फिर मिनट कम हो तो उसे हम संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 10 मिनट अधिक है, मिनट अधिक है, तो जहां मिनट अधिक होगी वहां हम कलोत्तर शब्द काम में लेंगे। कला का तात्पर्य मिनट हो गया और उत्तर का मतलब अधिक हो गया। हम निमेष उत्तर भी बोल सकते हैं इसको। हम इसको कलाधिक भी बोल सकते हैं। इस प्रकार ये कला है। फिर आता है मिनट कम, यदि मान लीजिए 10 मिनट कम है या 5 मिनट कम है तो उसके लिए हम कौन सा शब्द काम लेंगे, वो देखिए न्यून शब्द काम लेंगे। मिनट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, कला न्यून हो जाएगा। भाई इतने मिनट कम है, इतनी कलाएं कम है, तो कला न्यून शब्द काम में लेंगे और इस प्रकार से हम उसे दर्शा सकते हैं। ये सब का क्या होगा, आपको ये सब उम्मीद पेट और बुक में उतारना है। एक उदाहरण देखिए, उससे आपको सवा, साढ़े और ये पौने, इन तीनों का अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे 4:15, 4:30 और 4:45। इन्हें आप किस प्रकार से बोलेंगे संस्कृत में, अभी देखा हमने सवा के लिए सपाद शब्द काम में लिया था, 4 के लिए अभी मैंने लिखवाया था चतुर्वादमान शब्द काम में लिया था। सवा पहले लग जाएगा तो सपाद लग उसके पहले लग जाएगा और उसके बाद में देगा चतुर्वादना, तो सपाद चतुर्वादना दोनों को मिला के लिख देंगे। इसका तात्पर्य हो गया सवा चार, सपा चतुर्वादना का मतलब क्या हो गया सवा चार। अब है 4:30, साढ़े के लिए कौन सा शब्द काम में लिया हमने, सार्ध शब्द काम में लिया। ये आगे लग जाएगा उसके बाद में भी चतुर्वादना लग जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, सार्ध चतुर्वादना मतलब कि 4:30, उसके पश्चात है 4:45। पौने के लिए कौन सा शब्द काम में लेंगे हम, पादोन शब्द काम में लेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पादों में चतुर्वादना, इसका तात्पर्य होता है 4:45। समझ में आ गया होगा आपको।
सवा के लिए सपाद शब्द काम में लेंगे, साढ़े के लिए सार्ध काम में लेंगे, पौने के लिए पादम काम में लेंगे, केवल चार के लिए जाकर पांच के लिए हो मान लीजिए सवा पांच, क्या बोलेंगे इसको सपाद पंचवादनम, साढ़े पांच तो सार्ध पंचवादनम, पौने पांच क्या बोलेंगे इसको पादोन पंचवादनम, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब समय देखिए आप, जैसे मान लीजिए पांच बज करके पांच मिनट हो गई है, पांच बज करके पांच मिनट, पेपर में घड़ी का चित्र दिया हुआ रहता है, समय उसमें अंकित होता है, उस समय को देखकर आपको ये निर्धारित करना होता है कि कितने बज रहे हैं, फिर उसे संस्कृत में लिखना होता है। तो जैसे मान लीजिए उसमें पांच बज करके पांच मिनट दिया हुआ है, अब आप उसको संस्कृत में कैसे लिखोगे, पांच बज करके पांच मिनट, तो ये मिनट पहले आ जाएगी, अब मिनट अधिक है तो अधिक के लिए कौन सा शब्द काम में लेंगे, कलोत्तर या फिर निमेषोत्तर या तदधिक शब्द भी काम में ले सकते हैं। तो कितने मिनट अधिक है, पांच, तो क्या हो जाएगा पंच कलोत्तर पंचवाद पंच कलोत्तर पंचवाद, क्या था आपके लिए हुआ इसका पांच बजकर के पांच मिनट। यदि मान लीजिए छह बज करके दस मिनट हो गई, ठीक है, कितनी मिनट अधिक हो रही है, दस मिनट अधिक हो रही है, तो दस मिनट यानी कि दस कल कितनी है उत्तर मतलब कि अधिक है, तो हम ये भी कह सकते हैं दस कल अधिक, दस कल उत्तर या दस निमेश उत्तर, इसको लिखेंगे हम दस कल अधिक सर्वाधिक, इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। आगे देखिए सात बजकर के पंद्रह मिनट, सात बजकर के पंद्रह मिनट, हम कई बार ऐसे भी बोल देते हैं कि सवा सात हो गए, अब इस सवा सात को हम कैसे लिखेंगे, सवा के लिए कौन सा शब्द काम में लिया हमने, सपाद काम में लिए, तो हम क्या लिखेंगे इसको सपाद सप्तवाद, तात्पर्य क्या हुआ इसका सवा सात। आठ बजकर के तीस मिनट, कह देते हैं कई बार कि साढ़े आठ बज गए, ठीक है, अब इस साढ़े आठ को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे वो देखिए, अब साढ़े के लिए कौन सा शब्द काम लिया हमने सार्ध, क्या बोलेंगे इसको सार्ध अष्टवादन, सार्ध अष्टवादन। नौ बजकर के पैंतालीस मिनट, अब नौ बजकर के पैंतालीस मिनट होती है, कई बार ऐसे बोल देते हैं कि पौने दस हो गए, दस बजने में पंद्रह मिनट कम है, पौने के लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं हम पादम शब्द काम में लेते हैं, इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यदि नौ बजकर के पैंतालीस मिनट अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे पंच चत्वारिंशत् कलोत्तर नववादनम्, और यदि हम ऐसे बोलेंगे पौने दस हो गए तब इसको कैसे लिखेंगे हम पादोन दसवादन, तात्पर्य पादोन मतलब कि एक चरण कम है, पंद्रह मिनट कम है, किसमें दसवादन यानी दस बजने में, वो यहां पर दिखा रहा है, और देख लीजिए आप ग्यारह बजकर के पचपन मिनट है, मतलब कि बारह बजने में कितने मिनट कम है, पांच मिनट कम है, हम इसको अधिक के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि ग्यारह बजे के पचपन मिनट मतलब पचपन मिनट ज्यादा हुई है, तब इसको लिखेंगे पंच पंचाशत कलोत्तर एकादश वादनम, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का दूसरा जो तरीका है वो इस प्रकार से है कि बारह बजने में पांच मिनट कम है, और कम के लिए कौन सा शब्द काम में लेंगे हम कला न्यून शब्द काम में लेंगे, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे पंच कला न्यून, पंच कला न्यून द्वादश वादने, पंच कला न्यून द्वादश वादनम, बारह बजने में पांच मिनट न्यून, न्यून का तात्पर्य क्या होगा कम, पांच मिनट इसमें कम है, इस प्रकार से यह समय है। हालांकि संस्कृत ग्रामर का ये छोटा टॉपिक है लेकिन अपने मान्य रखता है, तो ये छोटा टॉपिक था इसलिए इसको सर्वप्रथम ले लिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, और एक ही वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आपके लिए वर्क है, आपको समय से संबंधित कुछ टास्क दिए जाएंगे।
व्हाट्सएप पर सेंड कर रहा है। अब कुछ समय लिखा जा रहा है, आपको उसको संस्कृत में लिखना है कि संस्कृत में उसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए जैसे 7:30 8:40 9:15 10:30 8:05 12:30 11:55 7:45 6:15 5:30 आपको इसको संस्कृत में लिखना है कि ये अंकों में जो समय दिया गया है उसे हम संस्कृत में शब्दों में किस प्रकार से हम उसको लिखेंगे। और ये कंप्लीट करके आपको मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो गया है।